हम अपनी सिविक्स कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आई थिंक आपने पुराना तो अपना रिवाइज कर लिया होगा। लिमिटेशंस आपको होता है आपके में आएंगे। ठीक है, तो मैं यहीं से कंटिन्यू करा रहा हूँ। ठीक है, तो लिमिटेशंस मतलब क्या? एक लिमिट लगा दी, एक रोक लगा दी है, लिमिट लगा दी है, एक लिमिट लगा दी है कि इससे आगे आप नहीं जा सकते, यानी इससे आगे ये नहीं हो सकते, यानी एक लिमिट लगा दी कि इस लिमिट पे ये रूल फॉलो नहीं हो सकता। कौन सा वाला रूल? 22 है ना, 22 है ना, ये यहीं तक फॉलो होंगे लेकिन इसके आगे फॉलो नहीं होंगे। यानी कुछ केसेस हैं जहाँ पर आर्टिकल फॉलो नहीं हो सकते, फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम हमें नहीं मिलेगा। किस किस केस में? तो पहले अगर मैं हेडिंग बताना चाहूँ तो अच्छा, दो उन्होंने केस बोले। एक इमरजेंसी केस में, मैंने आपको समझाया भी था लास्ट वीडियो में इसके बारे में, एक नॉट एब्सोल्यूट कोई चीज़ है उसके केस में, और अगर पार्लियामेंट ने कोई स्पेसिफिक लॉ निकाला है तो उसको बोलते हैं लॉज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो दो मैं आपको समझा देता हूँ पहले इजीली। फर्स्ट और थर्ड वाले बहुत ईजी हैं। इमरजेंसी का मैंने उस दिन आपको समझाया था कि अगर इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई कंट्री में, इमरजेंसी डिक्लेयर होने का मतलब क्या है? 2 सेकंड रुकना, आपके साउंड थोड़ा पूजा का थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है, मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ। ठीक है, इग्नोर करना है इसको, ज़्यादा थोड़ी देर की बात है। इमरजेंसी मतलब कि इमरजेंसी इज द काइंड ऑफ सिचुएशन, एक तरह की सिचुएशन है ये इमरजेंसी। ठीक है, जैसे कोई इमरजेंसी सिचुएशन, जैसे वॉर हो गई एकदम से, कर्फ्यू लगा देते हैं ना, तो इस तरह की सिचुएशन को बोलते हो, सिचुएशन को केवल इमरजेंसी। ठीक है, तो अगर ऐसी सिचुएशन अगर गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दी है, इसको इमरजेंसी नाम देते हैं। तो अगर गवर्नमेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, इमरजेंसी में होता क्या क्या नहीं होता है मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया है। ठीक है, बेसिक वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर मैंने आपको समझा दिया था। तो अगर ऐसी इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है कंट्री में, तो वहाँ पे आपका आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, रुक दिया जाएगा कुछ टाइम के लिए। सस्पेंड मतलब क्या? रोक देना कुछ टाइम के लिए, स्कूल से बच्चों को सस्पेंड कर देते हैं कुछ टाइम के लिए ना। हाँ, तो कुछ टाइम के लिए इस आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर दिया जाएगा कुछ टाइम के लिए। ठीक है, कुछ टाइम के लिए हम उसको, हमें उसके बेनिफिट, हमें आर्टिकल 19 के बेनिफिट हमें नहीं मिलेंगे। लॉज ऑफ पार्लियामेंट, कभी कभी क्या होता है, पार्लियामेंट का मतलब क्या है? देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लॉ कैसे बनती है। ठीक है, तो पार्लियामेंट से हमें कंसेंट लेनी होती है। पार्लियामेंट में हमें दो हाउसेस होते हैं, पार्लियामेंट का, लोकसभा और राज्यसभा, तो दोनों हाउसेस से हमें अपना बिल पास करना होता है। तब जाकर फिर उसे प्रेसिडेंट की एसेंट लेनी होती है, तब जाकर हमारा कोई भी बिल लॉ बनता है। ठीक है, तो अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया, पार्लियामेंट लॉ बनाने का मतलब ये नहीं कि पार्लियामेंट ही है, प्रेसिडेंट ने भी साइन कर दिए हैं, तो कहने का कोई स्पेसिफिक लॉ अगर आ गए हैं, कुछ स्पेसिफिक अगर लॉ आ गए हैं, ठीक है, पब्लिक बेनिफिट बेनिफिट के लिए, किसके लिए? पब्लिक बेनिफिट के लिए। तो ऐसे केस में आपका आर्टिकल 19 अगर नहीं कर रहा, तो आपके इस केस में भी आपका आर्टिकल 19 थोड़ा सस्पेंड हो सकता है। मतलब क्या है इसका? मैं बुक से पढ़ाता हूँ क्या लिखा हुआ है। लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन मतलब लॉ, लेजिस्लेशन लाइक लाइक प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन, या फिर एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। तो ये कौन सा एक्ट है? एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। देखो, एक्ट मतलब लॉ का नाम है, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस। ठीक है, तो मतलब ये एक ऐसा लॉ है, अ लॉ टू एंश्योर द डिलीवरी ऑफ एसेंशियल सर्विसेज लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हेल्थ सर्विस एक्सेट्रा, व्हिच इफ ऑब्स्ट्रक्टेड वुड अफेक्ट द नॉर्मल लाइफ ऑफ पीपल। ठीक है, वो कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें तो हैं जो चलती रहनी चाहिए, कुछ चीज़ें तो हैं जो चलती रहनी चाहिए। कौन कौन चीज़ें? पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली चीज़ें हुई, हेल्थ सर्विसेज में, ये चीज़ तो कंटिन्यू रहनी चाहिए, ये चीज़ तो कंटिन्यू रहनी चाहिए। और इसके ऊपर एक लॉ भी बन चुका है कि ये चीज़ें कंटिन्यू क्यों रहनी चाहिए। स्पेसिफिक लॉ आया है, स्पेसिफिक लॉ आया है, लोगों का मन नहीं है वो सर्विस देने का, लोगों का मन नहीं है सर्विस देने का, नहीं, फिर भी आपको सर्विस तो देनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप लोगों ने नहीं दी, आप कुछ लोगों ने वो सर्विस नहीं दी, तो पूरे लोगों का, पूरी कंट्री का नुकसान हो सकता है उससे। वो कह रहे हैं बिच इफ ऑब्स्ट्रक्टेड, अगर इसका फॉलो नहीं किया गया, जिसको अगर फॉलो नहीं किया गया, वुड अफेक्ट द नॉर्मल लाइफ ऑफ द पीपल, तो उसकी वजह से नॉर्मल पीपलों की लाइफ पे हो जाएगी अफेक्ट हो जाएगी। तो ऐसे केस में हमारा राइट टू फ्रीडम खत्म हो सकता है। ठीक है, नॉट एब्सोल्यूट मतलब क्या? द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड नेशनल इंटरेस्ट बीइंग ऑफ पैरामाउंट इंटरेस्ट, रीजनल रिस्ट्रिक्शन कुड बी इम्पोज ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस राइट। वो कहते हैं पैरामाउंट होने के मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा मतलब एसेंशियल। वो कह रहा है अगर स्टेट की ये नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी मतलब क्या? नेशनल इंटरेस्ट मतलब क्या? या तो किसी स्टेट की या फिर पूरे कंट्री की, अगर पूरे कंट्री का बेनिफिट
देखा जाए और पूरे कंट्री के बेनिफिट पर अगर बात आ रही है, पूरे कंट्री के बेनिफिट पर अगर बात आ रही है, तो हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। तो हमें थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ सकती है। हो सकता है किसी काम की वजह से, कोई काम ऐसा है जिसको आपको फ्रीडम मिला है करने का, लेकिन उस काम की वजह से या तो स्टेट में रहने वाले लोगों पर, या पूरी की पूरी एज अ होल कंट्री पर, होल कंट्री पर अगर कोई ऐसा हो सकता है कि आपके एक्ट करने से पूरी कंट्री में कुछ नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, तो ऐसे कंडीशन में आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। तो 3 केसेस थे, कोई दिक्कत नहीं है, फिलअप्स वगैरह बन सकते हैं, कोई पूछेगा तो सिंपल से क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, आर्टिकल 19 पे तो आते हैं, आर्टिकल 20 पे, और किस तरह हमें फ्रीडम मिली हुई है और कि हमें राइट मिली हुई है। तो राइट कह रहा है प्रोटेक्शन, आर्टिकल 20 किसी तरह की प्रोटेक्शन की बात करता है। प्रोटेक्शन हमको अवेलेबल है, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। मतलब कह रहे हैं कि हमें कुछ पनिशमेंट डिसाइडेड है हमारे लॉ में, अगर आप ये काम करते हो आपको ये पनिशमेंट मिलेगी, आप ये काम करते हो आपको ये पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, ऐसे पनिशमेंट डिसाइडेड हैं तो उनके रिगार्डिंग भी हमें कुछ प्रोटेक्शन है या नहीं है, क्या हमें ऑफेंसेस के रिगार्डिंग भी कि प्रोटेक्शन ये मिली है, क्या को क्या क्या मिली है, पहले पढ़ते हैं जरा, फिर उसके बाद में कुछ और डिस्कस करना चाहूँगा। क्या क्या प्रोटेक्शन हमें मिली है अगेंस्ट ग्रेटर पेनल्टी, अगेंस्ट ग्रेटर पेनल्टी देन व्हाट इज प्रेस्क्राइब्ड अंडर द लॉ। मतलब ये थोड़ा साउंड इस टाइम पर प्रेशन करता है। मतलब कह रहा है कि अगर किसी लॉ में लिखा हुआ है, कहीं पर लिखा हुआ है कि अगर हम चोरी की, सपोज तो ट्रेन था, अब बिना टिकट के ट्रेन में गए, तो लॉ है कोई किसी लॉ में लिखा हुआ है कि अगर आप बिना ट्रेन के लॉ में जाते हो तो आपको 10,000 फाइन देना है, लेकिन जो टीटी है, जो आपका टीसी है टिकट कलेक्टर, वो आपसे क्या मांगता है, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये। तो ये गलत है, ये प्रोहिबिटेड है, इसके लिए मना है। ये लॉ में जो लिखा हुआ है आप उससे ज़्यादा डिमांड नहीं कर सकते, लॉ में जो पेनल्टी लिखी हुई है आप उससे ज़्यादा डिमांड नहीं कर सकते। तो ये एक प्रोटेक्शन है कि जितना लिखा उससे उतना ही लोग मांग सकते हैं, आपको उससे ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए प्रोटेक्शन हो गया सर। प्रोटेक्शन क्या, प्रोटेक्शन मतलब ये कि कोई अपनी मन मर्जी की ना कर पाए, पनिशमेंट तो आपको फिर भी मिलेगी। नो वन कैन बी पनिश और प्रोसिक्यूटेड फॉर द सेम ऑफेंसेस ट्वाइस, बहुत इंपॉर्टेंट होता है लॉयर के लिए वाला पॉइंट, डाउन रिकॉर्ड हो रहा है ना। ठीक है, नो वन कैन बी पनिश और प्रोसिक्यूटेड फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस। अगर एक इंसान ने एक साथ दो खून कर दिए, मान लो इस लाइन का मीनिंग समझो, बाद में एग्जाम्पल देता हूँ। वो कह रहा है किसी भी इंसान को सेम गलती के लिए दो बार पनिश नहीं किया जा सकता, दो बार पनिश नहीं किया जाता, किसी भी इंसान को सेम गलती के लिए, सेम अपराध के लिए, ऑफेंस होता है अपराध क्राइम, सेम अपराध सेम गलती के लिए दो बार पनिशमेंट नहीं मिल सकती। मतलब एक इंसान है, उसने दो लोगों के मर्डर कर दिए, एक इंसान के मर्डर पर पता है क्या पनिशमेंट होती है, या तो आपको फांसी की सजा सुना दी जाएगी, या फिर आपको आजीवन लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट का मतलब लोगों को लगता है कि जिंदगी भर, पर जिंदगी भर नहीं होता है यहाँ पे, लाइफ टाइम का मतलब होता है, मुझे सर्टेन नहीं है, आई थिंक 14 ईयर्स डिसाइडेड है, आई थिंक 14 ईयर्स डिस्क्राइब है कि 14 लाइफ टाइम। जब भी कहती है ना कोर्ट की आपको लाइफ टाइम जेल में रहना पड़ेगा, तो उसका मतलब लाइफ टाइम का मतलब ये नहीं होता कि टिल दी डेथ, टिल दी डेथ नहीं, उसका मतलब 14 ईयर्स तक आपको जेल में रहना पड़ेगा, 14 ईयर्स तक तुम्हें जेल में रहना पड़ेगा। तो उसका मतलब ये नहीं कि अगर उसने दो बार मर्डर किया तो 14 14 28 ईयर्स उसकी पनिशमेंट हो जाएगी, नहीं, उसको 14 ईयर्स की ही पनिशमेंट मिलेगी, उसको एक गलती की, एक तरह की बेसिक, एक गलती नहीं, एक तरह की गलती की एक टाइम में एक ही बार पनिशमेंट मिलेगी। हाँ, अगर वो फिर 14 साल बाद जब उसको छोड़ते हैं जेल से, और उसके बाद फिर वो दोबारा से पनिशमेंट करता है, तो फिर उसको फर्दर 14 साल की पनिशमेंट मिल जाएगी। लेकिन उसने एक साथ दो मर्डर किए तो उसको दो एक साथ 14 14 28 साल की पनिशमेंट नहीं मिलेगी। आई थिंक आप समझ गए होंगे, है ना। अ पर्सन कैन नॉट बी कंपेल्ड, कंपेल्ड मतलब फोर्स करना, कंपेल्ड मतलब होता है फोर्स करना। अ पर्सन कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बी विटनेस इन द केस वेयर ही हिमसेल्फ इज एक्यूज ऑफ द ऑफेंस। ये तो आपको पता होगा, अगर आप टीवी वगैरह देखते होगे थोड़ा बहुत तो आपको पता होगा, किसी इंसान के साथ गलत हुआ है तो वो खुद अपना विटनेस नहीं बन सकता, वो खुद अपनी गवाही नहीं दे सकता। तो वो लिखा हुआ है अ पर्सन कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बी विटनेस, आप किसी इंसान को विटनेस नहीं बना सकते हो। कब, उस केस में जब वो खुद एक्यूज हुआ हो। इसका मतलब क्या है आप समझ नहीं पाए, इसका मतलब दो निकल सकते हैं, एक्यूज मतलब होता है
एक्यूज का मतलब आरोप लगाना, इल्जाम लगाना, ब्लेम करना, ठीक है। मतलब इसके, सॉरी, ये वाला अलग है, ये अलग है जो मैंने कहा था, वो भी एक राइट है, वो भी एक राइट है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आएगा, ये दूसरा वाला। यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मैंने किसी इंसान पर ब्लेम कर रहा हूँ कि इसी ने चोरी किया, इसी ने मर्डर किया है, हम उसी इंसान को विटनेस नहीं मानेंगे। हम कहेंगे तुम्हारे ऊपर तो, तुम्हें तो एक्यूज किया जा रहा है, तुम्हारे ऊपर तो आरोप लगाया जा रहा है कि तुम ही क्रिमिनल हो, तो तुम क्या अपनी गवाही दोगे? तुम तो अपने आप हर हर क्रिमिनल ये बोलेगा कि मैंने गलत नहीं किया, तो आपके आपके विटनेस को विटनेस नहीं माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे था सी आर्टिकल 21 कहता है, बहुत छोटा सा है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अंडर आर्टिकल 21 पर्सन कैन नॉट बी डिप्राइव, डिप्राइव ऑफ मतलब होता है अलग कर देना, डिप्राइव ऑफ मतलब होता है अलग कर देना, तो अलग नहीं किया सकता, एक इंसान को अलग नहीं किया जा सकता। किससे अलग नहीं किया जा सकता? उसको उसकी लाइफ से और उसकी आज़ादी से, एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। यानी लॉ कुछ रिस्ट्रिक्शन डाल दें, स्पेसिफिक लॉ जो है वो रिस्ट्रिक्शन डाल दें तो चल जाएगा, लेकिन जनरली कोई इंसान, कोई नॉर्मल इंसान, ठीक है, तो वो इंसान क्या होगा, उसकी लाइफ या लिबर्टी उससे नहीं छीनी जा सकेगी, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, मतलब क्या इसका, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। डिटेंशन मतलब क्या होता है, पुलिस की क्या कहते हैं उसको हिंदी में, गिरफ्त तो बोलते हैं आई थिंक उसको, पुलिस की गिरफ्त में होना, अगर पुलिस पकड़ के ले जाती है ना उसको बोलते हैं डिटेंशन। तो अगर पुलिस आपको अरेस्ट करने आ रही है या फिर आपसे कह रही है कि हम उसको आपको अपने कस्टडी में रखेंगे, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको कुछ राइट्स मिले हैं, वो क्या है, आर्टिकल 22 गिव्स सच राइट्स टू द सिटीजंस अंडर टू डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस। दो सिचुएशन में आपको कुछ राइट्स मिलेंगे, किन के सिचुएशंस में, दो सिचुएशंस, एक ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस हैं, और एक प्रिवेंटिव डिटेंशन है, ठीक है। तो कह रहे हैं इन द केस ऑफ अरेस्ट अंडर ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस, अगर आपको अरेस्ट ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस में किया गया, यानी नॉर्मल किसी छोटी मोटी गलती की वजह से किया, या किसी सस्पेक्ट की वजह से किया गया, सस्पेक्शन की वजह से आपको अरेस्ट किया गया, आपका भी क्राइम प्रूव नहीं हुआ, आपने जो ऑफेंस किया ना वो प्रूव नहीं हुआ, ठीक है, ऐसे आपको बस शक के डाउट हो रहा है लोगों को कि आपने गलत किया तो आपको अरेस्ट किया जा रहा है। तो ऐसे पर्सन को दो राइट होते हैं, ऐसे पर्सन को कुछ राइट्स होते हैं, पहला टू बी इन्फॉर्म द ऑफेंस, पहले तो उसको ये बताओ कि उसने गलती क्या की, आप क्यों उसको पकड़ के लेके आ रहे हो, आपको डाउट है तो किस रिगार्डिंग डाउट है, किस गलती पर डाउट है कि मैंने ये गलती की, तो उसको पहले तो वो बताओ, उसको इन्फॉर्म करो उसके ऑफेंस के बारे में। एंड टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ अरेस्ट। वो कह रहा है फिर इस इंसान को मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम नाम अगर आपने सुना होता, एक पोस्ट होती है आईएएस ऑफिसर की, है ना, सुप्रीम पोस्ट ही होती है आईएएस ऑफिसर की, डीएम, ठीक है। तो वो कह रहा है टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ अरेस्ट, यानी अगर आपने किसको अरेस्ट किया है ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस के अंदर, तो 24 आवर्स के अंदर आपको उसे मजिस्ट्रेट के सामने ले आना पड़ेगा, ठीक है। और सच्चा पर्सन कैन नॉट बी कैप्ट इन कस्टडी फॉर मोर देन 24 आवर्स विदाउट द परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट। और अगर मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट की परमिशन के बगैर आप ऐसे इंसान को ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस के अंदर अगर आप अरेस्ट करके ला रहे हो, तो 24 आवर्स से ज़्यादा आप उसको अपनी कस्टडी में नहीं रख सकते, आपको 24 आवर्स से ज़्यादा जेल में नहीं रख सकते, ठीक है। ये जनरल राइट्स नहीं, पता होना चाहिए हर किसी को, ये हर किसी को पता होना चाहिए, ये राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है, सुप्रीम कोर्ट को डिक्लेयर्स हैं, राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है ना, ये मैं भी थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले मैं यहाँ पे आते हैं। और दूसरा, तीसरा राइट और उसको क्या, द राइट टू कंसल्ट अ लॉयर, द राइट टू कंसल्ट अ लॉयर एंड प्रिपेयर फॉर डिफेंस एट अ ट्रायल। ट्रायल मतलब होता है मुकदमा, केस, केस चलता है ना उसको बोलते हैं ट्रायल। तो कह रहा है उसको राइट है, उसको राइट है कि वो अपने लॉयर से सलाह ले सके, यानी वो लॉयर से मिल सके, तो लॉयर से मिलने का मतलब नहीं कि उसको जेल से छोड़ दो, वो लॉयर से मिलने चले जाए, नहीं, उसको फॉर्म दे दो, उसको अपने लॉयर से बात करने दो, उसको बुलाने दो, ठीक है, लॉयर से हेल्प कंसल्ट करने दो और लॉयर से बात करने दो कि अगर उसका ट्रायल लड़ सके तो, ठीक है। तो ये तीन तरह के राइट्स होती हैं अगर आपको ऑर्डिनरी केस में किया जा रहा है, लेकिन अगर वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में किया जा रहा है,
सर डिटेन, वो सॉरी, प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब क्या? प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर अरेस्ट करने का मतलब क्या होता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब है, प्रिवेंटिव मतलब क्या होता है? बचना, रोकना, रोकना ना, ठीक है। डिटेंशन मतलब क्या होता है? थोड़ा वर्ड मीनिंग क्या हो जरा बोलो। प्रिवेंटिव का मीनिंग तो आपको पता होगा, डिटेंशन का मीनिंग पता होना चाहिए, कोई बड़ा वर्ड है नहीं वैसे तो। नहीं पता? हिंदी में बोलते हैं हिरासत। हिरासत मतलब पुलिस की, पुलिस जब उसको पकड़ लेती है तो पुलिस उसको पकड़ लेती है, ठीक है। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब फिर भी क्लियर नहीं हुआ। मतलब हुआ कि अगर पुलिस ने किसी को स्लिप पकड़ा है तो अगर पुलिस को डर है कि इसकी वजह से किसी दूसरे को हार्म हो सकता है, किसी दूसरे को हार्म हो सकता है, तो अगर ऐसे केस में अगर पुलिस आपको पकड़ रही है तो उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है, ही कैन कैप्ट इन कस्टडी फॉर अ पीरियड ऑफ 3, ही कैन बी कैप्ट इन कस्टडी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स विदाउट ट्रायल। तो बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के, अब बिना केस लड़े, बिना केस के लिए अप्लाई किए हुए भी वो 3 महीने तक जेल में रह सकता है, ठीक है। पुलिस वाले यानी उसको रख सकते हैं, तो पुलिस वाले का राइट हो गया बेसिकली, वो 3 महीने तक उसको रख सकते हैं। लेकिन उस पर्सन को राइट क्या है, इतना राइट तो बता, राइट ये है, राइट में बता रहा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन डज नॉट मीन दैट अ पर्सन स्टैंड एक्यूज। इसका मतलब ये नहीं कि वो क्रिमिनल है। एक्यूज मतलब क्या, उस पर आरोप जो लगाया वो सही है, इसका मतलब ये नहीं है। अभी तक कुछ प्रूव नहीं हुआ, अभी तक कुछ प्रूव नहीं हुआ। ये तो सिर्फ प्रिकॉशनरी मेजर है कि आगे इंसान कुछ गलत ना कर दे। इट इज ऑनली अ प्रिकॉशनरी मेजर, ये तो केवल सेफ्टी मेजर है कि आगे इंसान कुछ और गलत ना कर दे। तो कह रहे डिटेंशन बियॉन्ड 3 मंथ्स कैन बी एक्सटेंडेड ओनली बाय एडवाइजरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पज एंड कंसल्टिंग ऑफ जज ऑफ द हाई कोर्ट। तो महीने से ज्यादा आप रख ही नहीं, से ज्यादा आप रख ही नहीं सकते। अगर आपको 3 महीने से ऊपर रखना है ना, तो पहले एडवाइजरी बोर्ड की परमिशन लेनी पड़ेगी, एडवाइजरी बोर्ड की परमिशन लेनी होगी। जैसे बोर्ड के अंदर क्या होगा, जिस बोर्ड के अंदर कौन होंगे, एक तो हाई कोर्ट का जज भी होगा, तो लोगों से परमिशन लेनी पड़ेगी पहले, तब जाके आप उसको 3 महीने से ऊपर रख सकते हो अपनी कस्टडी में, तो वो भी नहीं रख पाओगे। तो कह रहे ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन हैव टू बी स्पेसिफाइड, जिस बेस पर आपने उसको पकड़ के रखा है वो स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। डिटेनिड, डिटेनिड मतलब क्या, जिसको पकड़ा गया है, जिसको पकड़ा गया, तो उसको उसके ग्राउंड्स बताने पड़ेंगे किस बेस पर आपको यहाँ पर पकड़ा गया है ना, उसको ये राइट उसको बताने पड़ेंगे ग्राउंड। ही ऑल्सो हैज द राइट टू मेक रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर, ही ऑल्सो हैज द राइट टू मेक रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर। मतलब क्या, मेक रिप्रेजेंटेशन मतलब सफाई देना, लिख लो इसका मतलब। मेक रिप्रेजेंटेशन का मतलब है गिव क्लैरिफिकेशन, गिव क्लैरिफिकेशन, यानी उसको ये भी राइट है अगर पुलिस वाले कह रहे हैं कि तुम्हारे पर इल्जाम लगाया हुआ है, ठीक है, लगा हुआ है, इसमें पकड़ के ले रहे हैं, तो पुलिस वाले उसको सुनेंगे, उसको मौका मिलेगा बोलने का कि नहीं ये मैंने नहीं किया, उसको अपनी सफाई देने का मौका मिलेगा, उसको अपनी सफाई देने का मौका मिलेगा, उसकी पूरी बात सुनी जाएगी, ठीक है। और वो लॉबल लॉयर वगैरह को भी हायर कर सकता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशन मतलब किस किस केस में आपका अथॉरिटी ऑफ द स्टेट कैन टेक रिसोर्स पब्लिक, ठीक है। अब ये लिमिटेशंस है आर्टिकल 22 के, आर्टिकल 22 के कुछ एक्सेप्शन है, यानी किस किस केस पर आर्टिकल 22 अप्लाई नहीं हुआ। वो कह रहा है अगर पब्लिक इंटरेस्ट की बात आती है, यानी पब्लिक के बेनिफिट की बात आती है, इंटरेस्ट मतलब बेनिफिट है, ठीक है। यहाँ पे हर इस चैप्टर में हर जगह पे यहाँ पे भी इंटरेस्ट है, वहाँ पे उसका मतलब बेनिफिट से। अगर पब्लिक के बेनिफिट की बात आती है तो कभी कम ग्राउंड को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। सर पब्लिक के बेनिफिट की बात आती है, कैसा डिस्क्लोज नहीं करेंगे? सपोज करो आपके घर के बगल में जो रह रहे हैं, सपोज करो ये इलेक्शन को मैं दिखा रहा हूँ, मेरे से लड़ने आ जाएंगे। सपोज करो आपके नेबरहुड में जो रह रहे हैं, आपको नहीं पता वो क्या करते हैं, आप समझते हो बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन वो रियल में कौन है, एक टेररिस्ट है। एक कौन है, टेररिस्ट है। पुलिस उनको पकड़ के ले जाती है, आपको नहीं पता किस वजह से लेके गई, अभी तक आपको नहीं पता चला कि वो टेररिस्ट है। आपको आज पता चलता है कि आज पुलिस वाले उनको पकड़ के ले गए आपके नेबर को, ठीक है, नेबर को आपको पकड़ के ले गए हैं, ठीक है। फिर आपको कुछ टाइम बाद पता चलता है कि वो पकड़ के लेके गए ना, उसका रीजन तो ये था कि वो टेररिस्ट है। तो आपको नहीं पता, आपके घर सब डर जाएंगे, आपके कॉलोनी में जितने भी लोगों को सब डर जाएंगे, वो तो घर से दूर भाग जाएंगे, ये टेररिस्ट का घर है, यहाँ पे वापस आएगा, ये पता नहीं क्या करे क्या नहीं करेगा, तो ये डर लगेगा नहीं लगेगा। तो ऐसे केस में स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक्शन ले सकती है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ये ग्राउंड डिस्क्लोज ना करे, ठीक है।
रेफ्यूज मना कर सकते हैं डिस्क्लोज करने से, ठीक है। पावर ऑफ द पार्लियामेंट, द लेजिस्लेचर और द पार्लियामेंट हैज द पावर टू स्पेस फॉर द मैक्सिमम स्पीड ऑफ प्रिवेंटिव रिटर्न्स है। वो कह रही है, कह रहा है बेसिकली इसमें कि 3 मंथ्स तो हैं लेकिन पावर पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो इसको और बड़ा भी कर सकती है, छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेस फॉर द मैक्सिमम पीरियड, यानी अभी तो 3 मंथ्स है ना, वो उसको बढ़ाकर वो मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको 4 भी बोल सकती है, 5 भी बोल सकती है, 10 भी बोल सकती है, 1 भी बोल सकती है, वो कुछ भी बोल सकती है। तो पावर है कि वो पीरियड डिसाइड कर सकते हैं, कम करे ज़्यादा करे उससे फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी डिसाइड कर सकती है, ठीक है। रिकॉर्ड हो रही है, नहीं हो रही है, हो रही है, चेक करना पड़ता है कभी कभी, मेहनत खराब हो जाती है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 डील करता है इसके रिगार्डिंग। दिस राइट अपहोल्ड द डिग्निटी, अपहोल्ड मतलब क्या होता है, मेंटेन करने एक तरह से। तो राइट कंटिन्यूटी में किस चीज़ के, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड प्रोहिबिट्स एक्सप्लोइटेशन इन फॉलोइंग रेस्पेक्ट। तो कहता है ये राइट बेसिकली जो बात करता है वो बात करता है लोगों की रेस्पेक्ट के बारे में, लोगों की प्रेस्टीज के बारे में, लोगों की डिग्निटी के बारे में, ठीक है। और कुछ तरह के एक्सप्लोइटेशन को प्रोहिबिट करता है। एक्सप्लोइटेशन मतलब अत्याचार होना, बुरे बुरा बिहेव होना, बहुत गंदा बिहेव होना इंसान से, तो उस गंदे बिहेव को मना करता है, इंसान के गंदा बिहेव करने से मना करता है। ये 23 और 24, 23 कह रहा है, 24 23 में ये पार्ट है, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। आपसे बोलता है कि आप किसी को भी गुलाम नहीं बना सकते, आप किसी को भी गुलाम नहीं बना सकते, ठीक है। बैग अदर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर, आप ना तो उनसे भीख मंगवा सकते हो, ना ही उनसे ज़बरदस्ती काम करवा सकते हो। आप किसी को भी ना तो स्लेव बना सकते, ना उनसे ज़बरदस्ती भीख मंगवा सकते, और ना ही आप उनसे ज़बरदस्ती काम करवा सकते, ठीक है। तो भी कहता है ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स, सुना होगा काफ़ी ट्रैफिक गुट पकड़े जाते हैं। इसका मतलब है ह्यूमंस को बाय और सेल करना, ह्यूमंस की ट्रेडिंग करना, इंसानों को बेचना, इंसानों को खरीदना, ये भी क्या है, मना है, ये भी मना है। आप बताओ अच्छी बात है कोई, गलत है ना, तो वो चीज़ है। क्योंकि हमें आर्टिकल 23 कहता है, आर्टिकल 23 भी कहता है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग इज प्रोहिबिटेड, इट ऑल्सो प्रोहिबिट्स यूज ऑफ वुमन और गर्ल्स फॉर इमोरल पर्पज। और लड़कियों का अगर गलत पर्पज़ के लिए आप यूज़ करते हो तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। आर्टिकल 24 क्या राइट देता है, ये कहता है दिस आर्टिकल प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो एट द एज ऑफ 14 ईयर्स एंड 15। वो कहता है कि 14 साल से छोटे बच्चे, 14 साल से छोटे जो बच्चे होंगे वो फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते। भाई छोटे, इतने छोटे बच्चे, इनका काम क्या होता है, पढ़ने का, ये पढ़ने की जो होती है, आप इनसे काम करवा रहे हो, नहीं ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। पहले तो ये काम, फिर दूसरा कहता है अगर आप काम करवा भी रहे, मजबूरी है, तो ये ना फैक्ट्रीज में काम नहीं करेंगे, माइंस में काम नहीं करेंगे, और जितने भी खतरनाक काम है वहाँ पर काम नहीं करेंगे। सर माइंस से खतरनाक है, माइंस पता है, माइंस से ब्लास्ट हो जाते हैं, कोल माइंस होती हैं, गोल्ड माइंस होती हैं, तो वहाँ पर कोयल वगैरह निकालने के लिए हमें वहाँ पर बम ब्लास्ट करने पड़ते हैं, तब जाके नीचे की जो लेयर होती है वो ओपन होती हैं। तो ऐसे अगर बच्चे काम करेंगे, बच्चे अगर कहीं ब्लास्ट में डैमेज हो गए, तो फैक्ट्रीज वगैरह में जो मशीनें वगैरह होती हैं उनका हाथ वगैरह चला गया तो उन मशीनों में, तो ऐसे खतरनाक खतरनाक काम में छोटा 14 साल से छोटे बच्चे नहीं, उनको जो है जॉब नहीं दी जाएगी, उनसे काम नहीं कराया जाएगा, ठीक है, ये लिखा हुआ था। दिस द प्रैक्टिस ऑफ बॉन्डेड लेबर हैज ऑल्सो बीन डिक्लेयर्ड अनलॉफुल। वो कह रहे हैं प्रैक्टिस ऑफ बॉन्डेड लेबर, बॉन्डेड लेबर मतलब कहते हैं आपसे एग्रीमेंट करवा लिया, आपसे एग्रीमेंट करवा लिया कि आप इतने टाइम तक काम करोगे करोगे, तो ये भी क्या है, ये भी अनलॉफुल है, ये भी क्या है, अनलॉफुल है, ये भी क्या है, अनलॉफुल है, बॉन्डेड लेबर। एकदम आपने मजदूरी बांध ली कि नहीं आपको करना ही करना है, तो ये गलत है। अगर छोटा बच्चा कैसे काम कर रहा है, क्या इसकी उम्र है काम करने की, नहीं, तो ये गलत है, ये आर्टिकल 23 और 24 हमसे मना करते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अच्छा, और 25 और 28 किसके बारे में बात करते हैं, कि आपका फ्रीडम है, आपका रिलीजन डिसाइड करें। तो क्या कहता है, ऑल पर्सन आर एंटाइटल टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस बोले कॉन्शियस, उसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, कॉन्शियस है ना। तो वो कह रहा है ऑल पर्सन आर एंटाइटल टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपागेट देयर रिलीजन। प्रोफेस मतलब होता है एक्सेप्ट करना, प्रोफेस मतलब होता है एक्सेप्ट करना, प्रैक्टिस मतलब कोई भी काम को कंटिन्यूस करना, और प्रोपागेट मतलब होता है पब्लिश करना, प्रचार करना, एडवर्टाइज करना, है ना, लोगों से तारीफ करते हैं ना अपने चीज़ों के बारे में, तो वो करना, प्रोपागेट करना, ठीक है, पब्लिश करना। तो वो कह रहा है राइट है कि वो अपने होशोहवास में रहे, कॉन्शियस मतलब होशोहवास में रहना अपने एकदम, ठीक है। राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपागेट देयर रिलीजन।
ठीक है सर, क्या कह रहे हैं, और आपको अपने रीजन के बारे में, आप कोई सा भी रीजन फ्रीली 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 एक्सेप्ट कर सकते हो, उसको फॉलो भी कर सकते हो, और उसके बारे में प्रचार भी कर सकते हो, उसके बारे में तारीफ भी कर सकते हो। आपको हिंदुज्म अच्छा लगता है, हिंदुज्म की तारीफ कर सकते हो, ये कोई गलत नहीं है। आपको मुस्लिम अच्छा लगता है, आप मुस्लिम की तारीफ करो, है ना। आपको क्रिश्चियनिटी अच्छा लगता है, क्रिश्चियनिटी की तारीफ करो, कोई बुराई नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 25 से 25(8) तक ही बताते हैं, यहाँ पे नाम नहीं दिया, और एक नंबर मेरे को भी याद नहीं किस चीज़ से आर्टिकल 25 स्पेसिफिकली डील करता है, या 28 या 6 है ना, जो भी है। 26, 27, 28, 25, 26, 27, 28, थोड़ा वॉइस आ रहा है ना, तब तक ये वाला रीड करो, नीचे सेकंड वाले पॉइंट रीड करो, तब वॉइस आ रही तब तक। ठीक है, अब पढ़ते हैं। सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, सॉरी मैंने कुछ ज्यादा हाईलाइट कर दिया, मेरे को बताना सब्जेक्ट टू। अगर आप लॉ पढ़ोगे तो लॉ में ये बहुत वर्ड बहुत बार आता है, सब्जेक्ट टू। सब्जेक्ट टू का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं बशर्त है, बशर्त है, बशर्त है मतलब क्या, एक कंडीशन है, कुछ कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं, अगर कंडीशन फॉलो की तभी ये बात होगी। ठीक है, जैसे सपोज करो दिमाग से बोला भैया मेरे को तेरी एक हेल्प चाहिए, दिमाग से बोला भैया मेरे को तेरी एक हेल्प चाहिए, तो आपने बोला मेरी एक शर्त है, आपने शायद डिस्क्राइब नहीं किया, बोला पर एक शर्त है मेरी, तो उसको बोलते सब्जेक्ट टू माई कंडीशन, सब्जेक्ट टू माई टर्म्स एंड कंडीशन, तो उसको बोलते हैं सब्जेक्ट टू। तो वो कह रहे हैं सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, यानी कुछ पब्लिक ऑर्डर को आपको फॉलो करना पड़ेगा, कुछ पब्लिक ऑर्डर को कंसिडर करते हुए, मॉरलिटी एंड हेल्थ, एवरी रिलीजियस डोमिनेशन और एनी सेक्शन देयर ऑफ शैल हैव द राइट, यानी सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मतलब वो कह रहा है हर किसी को राइट तो है अपने रिलीजन को फ्री फॉलो करने का, लेकिन कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे क्या, पब्लिक ऑर्डर को, मॉरलिटी को, हेल्थ को, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन देयर ऑफ शैल हैव द राइट, यानी सर रिलीजियस में, जैसे रिलीजियस डिनोमिनेशन का मीनिंग आपको ऐसे क्लियर नहीं होगा, बाकी सबको तो क्लियर होगा। रिलीजियस डिनोमिनेशन का मतलब होता है कि रिलीजियस तो आपको ना रिलीजियस ग्रुप बन जाते हैं, रिलीजियस ग्रुप बन जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग हैं जिनके ग्रुप ना बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, वो अलग ही भगवानों की पूजा करते हैं, उनको मानने लोग ही नहीं, तो समझ लगे आप उनको दबा दो, तो उन चीज़ों को भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो वो कह रहा है ऐसे लोगों को भी कुछ राइट है, तो ऐसे केस में भी कुछ राइट है, क्या राइट है, टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पजेस, टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पज, तो ऐसा केस होता है कि इन छोटे छोटे लोगों का, छोटे छोटे ग्रुप्स का हार्म ना हो, इनका इंटरेस्ट डिफीट ना हो, इनका बेनिफिट डिफीट ना हो, तो ऐसे केस में इनके लिए क्या बना दो, इंस्टीट्यूशन बना दो इनके रिलीजियस पर्पजेस के लिए, चैरिटेबल पर्पजेस के लिए। ठीक है, टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, ताकि वो अपने रिलीजियस मैटर को खुद मैनेज कर सकें, टू ओन एंड एक्वायर रिमूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डिंग विद लॉ। ठीक है, इन चीज़ों के रिगार्डिंग उनको क्या कुछ राइट्स हैं, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन। ओहो, क्या लिखा है, किसी भी इंसान को फोर्स नहीं करोगे, किसी भी इंसान को फोर्स नहीं करोगे, किस लिए फोर्स नहीं करोगे, टैक्स पे करने के लिए, अगर वो अपने रिलीजन के बारे में क्या कर रहा है, प्रमोशन कर रहा है, तो ये नहीं कि आप उसको प्रमोशन करोगे तू प्रमोट कर लेकिन मुझे टैक्स चाहिए, ऐसा नहीं कह सकते आप। ठीक है, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। वो कह रहा है क्या लिखा हुआ यहाँ पे, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी इंस्टीट्यूशन, इन एनी इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। वो कह रहा है अगर कोई फंड, कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा है जो स्टेट फंड से कैरीड आउट हुआ है, यानी उस इंस्टीट्यूट को ना जो बनाने में इतने पैसा खर्चा है वो सारे स्टेट गवर्नमेंट का लगा हुआ है, तो उसको बोलेंगे स्टेट फंड से मेंटेन्ड आउट इंस्टीट्यूशन।
तो ऐसे इंस्टीट्यूट में, ऐसे इंस्टीट्यूट में कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं जारी किए जाएंगे। तो कोई भी क्यों नहीं किए जाएंगे, क्योंकि अगर सोचो स्टेट में रहने वाले के एक ही स्टेट, एक ही रिलीजन के लोग होते हैं क्या? नहीं, हर तरह के लोग, एक स्टेट में हर तरह के लोग रहते हैं। आपके यूपी में ले लो, आपके उत्तर प्रदेश में ले लो, ये सारे हिंदू ही हैं। बताओ, क्या क्रिश्चियन भी हैं, पंजाबी भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सभी रहते हैं ना। तो किसी स्पेसिफिक रिलीजन के बारे में इंस्ट्रक्शंस नहीं दोगे, ठीक है? इवन तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस मे बी इंपॉर्टेंट इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द बाय रिसीविंग फंड्स फ्रॉम द स्टेट। नो पर्सन अटेंडिंग द इंस्टीट्यूट शैल बी कंपेल्ड टू रिसीव द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन विदाउट द कंसेंट ऑफ हिमसेल्फ और ऑफ हिज गार्जियन इन केस ऑफ अ पपिल ऑफ अ माइनर। यानी इस वाले केस को पढ़ा जाएगा, कि पूरा ऐसे पढ़ा जाएगा। क्या लिखा हुआ है? कह रहा है कुछ केसेस में आप इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर सकते हो। कब? एजुकेशन, पहले तो केस की एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे भी एक शर्त करते हैं। ये किस शर्त है? ये किसी भी बच्चे को या जो भी वहाँ पे अटेंड करने जो भी आ रहा है, जो भी वहाँ पे अटेंड करने आ रहा है, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो भी आ रहा है, चाहे बच्चा चाहे बड़ा, आप उसको फोर्स नहीं करोगे कि वो उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे, टू रिसीव दैट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, कि वो उसको फॉलो करें, वो उसको माने उस इंस्ट्रक्शन को। आप उसको फोर्स नहीं कर सकते विदाउट द कंसेंट ऑफ हिमसेल्फ, अपनी कंसेंट के बिना, ठीक है? अगर वो कोई छोटा बच्चा है तो अपने गार्जियन के कंसेंट के बिना आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। आपके स्कूल में आगे सपोज करो सेंट पैट्रिक या सेंट पीटर पीटरसन आपका, आपके कॉलेज में आ गए कोई क्रिश्चियन लीडर, कोई आ गए, उन्होंने कहा नहीं सही बच्चों को क्रिश्चियनिटी फॉलो करनी है, तो ऐसे कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता, आपके कंसेंट नहीं होगा। हाँ, आपको आके एडवाइस दे सकते हैं, आपको क्रिश्चियनिटी के बारे में अच्छी अच्छी बातें बता सकते हैं, ठीक है? आपको फॉलो करें नहीं करें, आपकी कंसेंट है, आपकी इच्छा है, कंसेंट मतलब इच्छा, आपकी मन मर्जी है, आप अपने मन मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन फोर्स नहीं कर सकता कि नहीं अब आपको करनी ही करनी है, ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा कोई कर सकता है तो अब आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 उसको सामने पढ़ के बता दो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मना करता है, आप हमें ऐसे फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है? करते हैं, आपको प्रैक्टिकल सीखता हूँ। मुसलमानों के जो स्कूल होते हैं, मुझे उसका नाम नहीं पता क्या कहते हैं उनके, सब मुसलमानों के जो स्कूल होते हैं उनका नाम नहीं पता, वो लोग ना अपने यहाँ पे फोर्स करते हैं बच्चों को, वो अपने यहाँ पे बच्चों को फोर्स करते हैं कि मुस्लिम ही फॉलो करो। आप कोई रिलीजन फॉलो नहीं कर सकते ना, आप हिंदुज्म फॉलो कर सकते ना, क्रिश्चियनिटी गलत है, ये गलत है, ये गलत हो रहा है, जबकि लॉ बना हुआ मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मना करता है कि आप ऐसे किसी को फोर्स नहीं कर सकते। पर हमारे यहाँ पे कुछ स्कूल से यहाँ पे ऐसा होता है, मुझे पता नहीं उनके स्कूल कुछ अलग नाम दिया जाता है, हिंदुओं में भी हो सकता है मेरे को पता नहीं, पर मुसलमानों का न्यूज़ वगैरह में आया एक दो बार, इसलिए मेरे को पता है, ठीक है? फिर आता है आर्टिकल 29 एंड 30, 29 एंड 30, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। सर कुछ कल्चर से रिलेटेड है और कुछ एजुकेशन से रिलेटेड भी हमें राइट्स मिलते हैं आर्टिकल 29 एंड 30। आर्टिकल 29 एंड 30, प्रोटेक्शन माइनॉरिटीज। ये वर्ड तो कुछ जाना पहचान से लग रहा है, नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। मैंने बताया, पता नहीं क्यों आपको बताया या आपकी बहन को बताया, माइनॉरिटीज का मतलब वो होता है, दो तरह की पॉपुलेशन होती हैं, दो तरह के वर्ड होते हैं बेसिकली, पॉपुलेशन के केस में तो यूज़ कर रहे हैं, दो तरीके से होती है, एक मेजोरिटी और एक मेजोरिटी का जस्ट अपोजिट होता है माइनॉरिटी, लिख सकते हो कहीं पे भी। मेजोरिटी का अपोजिट क्या होता है? माइनॉरिटी। माइनॉरिटी का अपोजिट क्या होता है? मेजोरिटी। तो मेजोरिटी मतलब क्या? मोर देन 50%, यानी सबसे ज़्यादा जहाँ पे प्रेजेंस होती है लोगों के मतलब किसी चीज़ के प्लेस में बोले, जहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा हो वो मेजोरिटी हो गए, और जहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम हो, सब एलिमेंट्स इंसान हो सकते हैं, कोई चीज़ हो सकती है, कुछ हो सकता है, तो माइनॉरिटी हो जाती है। तो माइनॉरिटी मतलब क्या? जो बहुत कम होते हैं, जो बहुत कम होते हैं, हिंदी में इनको बोलते हैं अल्पसंख्यक, यानी बहुत कम, बहुत कम, वेरी फ्यू पॉपुलरिटी। तो यहाँ पे माइनॉरिटीज का मतलब होता है इस तरह के ग्रुप ऑफ पीपल से जो इन नंबर्स एज कम्पेयर टू अदर्स बहुत कम है। जैसे हमारे यहाँ पे मुसलमान एज कम्पेयर टू हिंदूज बहुत कम है, पंजाबी एज कम्पेयर टू हिंदूज बहुत कम है, क्रिश्चियंस एज कम्पेयर टू हिंदूज बहुत कम है, यहूदी वगैरह, ज्यूज वगैरह, जो साइलो के एक ज्यू, तो ऐसे लोग तो बहुत ही कम मिलेंगे आपको देखने को, बहुत ही कम। तो ये लोग हो जाते हैं माइनॉरिटीज, तो सिर्फ माइनॉरिटीज को फिर तो हम सब लोगों, जो हिंदू लोग हैं वो तो इनको टॉर्चर कर सकते हैं, क्योंकि तो नंबरों में ही कमी है, तो इनकी तो बात ही नहीं चलेगी। हाँ, तो लोग तो फिर गलत फायदा उठाएंगे इस चीज़ का, जो मेजोरिटी लोग हैं, जो मेजोरिटी पीपल है
वो से लोगों का मिसयूज करेंगे, इनको फोर्स इनको डराएंगे धमकाएंगे ऐसे, क्योंकि क्योंकि मेजोरिटी वाले नंबर्स में ज़्यादा हैं, वो उनको फोर्स करेंगे क्योंकि नंबर्स में ज़्यादा पावरफुल भी हुए। हाँ, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कि आप माइनॉरिटीज़ के साथ कोई गलत ना कर पाओ, तो उन्होंने माइनॉरिटीज़ को भी कुछ स्पेसिफिक राइट्स दिए, उन्होंने सबके बारे में सोचा था। आर्टिकल 29 गिव्स अ सेक्शन ऑफ पीपल और होल ऑफ देम द राइट टू प्रिजर्व देयर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज। उन्होंने राइट तो दिया, उन्होंने ये जैसे लोग ये भी कर सकते हैं, उन्होंने कहा माइनॉरिटीज लोग हैं वो, एक तुम हमारी चीज़ें फॉलो करो, हम हिंदू हो तुम भी हिंदी फॉलो करो, हम हिंदी बोलते हैं तुम भी हिंदी फॉलो करो, ऐसा नहीं है। आर्टिकल 29 ने राइट दिया है कि आप अपनी चीज़ों को संभाल कर रख सकते हो, अपनी चीज़ों को प्रिजर्व कर सकते हो। आपके अगर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, आपकी बिल्कुल अलग लैंग्वेज है, कोई दिक्कत नहीं। आपकी अलग स्क्रिप्ट है, अलग बोली है आपकी, कोई दिक्कत नहीं। आपका अलग कल्चर है, कोई बात नहीं, आपको प्रिजर्व करो, संभाल के रखो, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप उसको चेंज करो, कोई नहीं कर सकता। हाँ, आपकी कंसेंट है फिर आप चेंज करो, कंसेंट के केस में लॉ नहीं मना करेगा। लॉ कब कहता है कि आपके साथ कुछ अनलॉफुली यानी कुछ फोर्सफुली कुछ काम ना हो, तो फोर्सफुली काम ना यानी आपके गलत ना हो, तो लॉ आपकी हेल्प करेगा। आप अपने मन से अपना चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर दे दो, कोई दिक्कत नहीं ना। इन द मैटर ऑफ एडमिशन टू एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय द स्टेट, एडमिशन कैन नॉट बी डिनाइड ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कलर, कास्ट, क्रीड और सेक्स। वो कह रहे हैं कि अगर आपको स्टेट ओन्ड स्टेट मेंटेन किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाना है, यानी जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं बेसिकली उनकी बात कर रहे हैं, अगर ऐसे स्कूल में अगर आपका एडमिशन लेना है तो इन बेसिस पर आपका एडमिशन मना नहीं किया जा सकता। वो कहें कि नहीं हम तो पंजाबी को लेंगे नहीं, नहीं हम तो हिंदू मुसलमानों को लेंगे नहीं, नहीं हम तो लड़कियों को पढ़ाएंगे ही नहीं, नहीं हम तो इस भाषा के बोलने वाले लोगों को पढ़ाएंगे ही नहीं, नहीं इस आप इस बेस पर मना कर नहीं सकते। आर्टिकल 29 मना करता है, ठीक है। फिर ये बात करता है, 2 सेकंड रुकना बस, तो क्लास भी मैं ख़त्म करने वाला था अभी, चलो 4 दिन कनेक्ट कर लेता हूँ मैं। हाँ, ठीक है। माइनॉरिटीज एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 30 गिव्स ऑल माइनॉरिटीज द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर देयर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। वो कह रहा है आप आर्टिकल 30 कहता है सभी माइनॉरिटीज से कि अगर आप चाहो, आपके पास राइट है, राइट मतलब ऑप्शनल होता है, राइट मतलब क्या, आपको एक्सरसाइज करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो, आपको यूज करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। आपको राइट और पावर का डिफरेंस पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको, राइट और ड्यूटी का, राइट्स एंड ड्यूटीज का। ड्यूटीज मतलब होता है कंपलसरीली आपको करना ही करना है, राइट मतलब क्या, आपके पास ऑप्शन है, आपको करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। तो आर्टिकल 30 एक ऑप्शन देता है माइनॉरिटीज को, आप चाहो तो अपना खुद का एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना सकते हो और उसको रन कर सकते हो, एडमिशन मतलब कि उसको चला सकते हो, ठीक है, अपनी चॉइस से। द स्टेट इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड, स्टेट इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड, स्टेट इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड, स्टेट गवर्नमेंट को मना किया गया है फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन द मैटर ऑफ ग्रांट्स। और स्टेट को मना किया गया है कि आप इस तरह से आप उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे इन द मैटर ऑफ ग्रांट, इन द मैटर ऑफ ग्रांट यानी कि अगर कोई माइनॉरिटी लोग आते हैं और स्टेट गवर्नमेंट से हेल्प मांगते हैं कि हमें एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाना है, हमारे पैसे कम पड़े, थोड़ा हमें फंड दे दो, तो गवर्नमेंट का काम है फंड देना, ठीक है। जो जरूरतमंद लोग होते हैं, ऐसे कुछ मैटर होते हैं जिसमें ना गवर्नमेंट हेल्प करती है, तो ऐसे किसी में गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि नहीं तुम तो मुसलमान हो मैं तुम्हें हेल्प नहीं करूँगी, तुम तो क्रिश्चियन हो मैं तुम्हें हेल्प नहीं करूँगी, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी, ग्रांट नहीं दूंगी, तो नहीं इस बेस पर मना नहीं कर सकते, इस बेस पर मना नहीं कर सकते, ठीक है। अब एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ को बाद में पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है, यहीं तो पढ़ा रहा हूँ मैं पीछे वाला पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर ये वाला पैराग्राफ का चालू करूँगा तो ये पूरा इंपॉर्टेंट राइट्स वगैरह पढ़ाने पड़ेंगे मुझे, है ना। तो मैं यहाँ पे तो राइट इन्फॉर्मेशन, राइट इन्फॉर्मेशन पता है क्या है, क्या मतलब है राइट टू इन्फॉर्मेशन का, ये इसी का पार्ट है, कहाँ गया आर्टिकल 19, इसी आर्टिकल 19 का पार्ट है। अभी सब सेक्शन बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं सब, है ना, इस तो सी के अंदर पार्ट है। तो आर्टिकल 19 का सब पॉइंट 1 कहता है, क्या कहता है, द राइट टू इन्फॉर्मेशन इज इंक्लूडेड इन द आर्टिकल 19 सब रूल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी एक राइट टू इन्फॉर्मेशन बाद में इंक्लूड किया गया, पहले नहीं था ये बाद में इंक्लूड किया गया। इसका मतलब क्या होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन इज एन इम्प्लाइड फंडामेंटल राइट, एक इम्प्लाइड फंडामेंटल राइट है, यानी इम्प्लाइड मतलब क्या, कहने की जरूरत नहीं है, माना जाता है ये काम, इम्प्लाइड मतलब कोई चीज़ कहना पड़े, कुछ चीज़ कहना पड़े तो माना जाता है। आप स्कूल से आप सुबह सुबह निकले 7 बजे, 2 बजे घर पर आए, तो इम्प्लाइड है, मम्मी को इम्प्लाइड है ये कि आपको भूख लगी होगी,
आप थके हो गए, आपको खाना चाहिए, आपको रेस्ट करना है, ये इम्प्लाइड है। आपको कहने की जरूरत नहीं है घर पे आके कि मम्मी थक गया, मेरे को भूख लगी है, ये इम्प्लाइड है कि आप ये सारे काम पर करें तो मान लिया जाता है, तो माना जाता है, तो पहले ही मान लिया जाता है कि आप थक चुके हो, है ना। तो इसको बोलते हैं इम्प्लाइड, तो इम्प्लाइड राइट है, माना जाता है कि आपके, माना जाता है कि आपके लिए फंडामेंटल राइट है, पर है कौन सा राइट ये बताओ। एंड इम्प्लाइड तो पहले इम्प्लाइड फंडामेंटल राइट का मैंने बता रहा है। एंड एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयड फंडामेंटल राइट इज द वन विच इज अ पार्ट ऑफ नेम का फंडामेंटल राइट और पार्टिक्स और सम बेसिक नेचर एंड कैरेक्टर एज दैट फंडामेंटल राइट। छोड़ो उसको, बेकार लाइन लिख के बता दूँ क्या है। सिंस आरटीआई, आरटीआई मतलब राइट इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट बोलते हैं, इज इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट मतलब क्या, वही इम्प्लॉयड इज इम्प्लिसिट इन राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इट इज इम्प्लॉयड फंडामेंटल राइट बिकॉज इफ वन डज नॉट नो द फैक्ट्स वन कैन नॉट स्पीक फ्रीली फ्रीली। The Right to Information Act came into force on October 12, 2005. This act gives citizens of India the right to seek or receive information from the government and other public authorities, ask them certain questions, take copies, including certified copies of documents, inspect documents, take sample of materials, and a citizen can file an application under RTI with the Public Information Officers, PIOs, जिनको कहते हैं Assistant Public Information Officers, जिनको APIOs कहते हैं, seek the record information। अब ये पूरा मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, बस इतना ही समझाऊंगा आज में। क्या कह रहा है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक बाद में ऐड किया गया था, बाद में ऐड किया गया था, बाद में कब ऐड किया गया, 2005 में एक एक्ट आया था स्पेसिफिकली इसके ऊपर। 2005 में स्पेसिफिकली किसके ऊपर एक्ट आया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ठीक है। और जब ये आया तब उन्होंने कहा ये तो हमारे, ये उन्होंने कहा ये तो हमें एक्सप्रेसली एक्सप्रेस करने की जरूरत है नहीं, तो इम्प्लाइड है ऑलरेडी। हमारे कुछ राइट्स ऐसे हैं, फंडामेंटल राइट कुछ हमारे ऐसे हैं जिसमें हम पढ़ते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह पढ़ते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो हम पढ़ते हैं उसके अंदर ही तो ऑलरेडी इम्प्लाइड है, तो उसे उसमें क्यों ना इंक्लूड कर दिया इसको, इसमें क्यों ना इंक्लूड कर दिया। तो उन्होंने कहा इसको, फिर उन्होंने बाद में उसमें इंक्लूड किया सब सेक्शन बन, सब रूल वन में डाल के, सब पॉइंट वन में डाल के उन्होंने ऐड कर दिया कि राइट इन्फॉर्मेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही इम्प्लाइड फंडामेंटल राइट है। सर इम्प्लाइड फंडामेंटल राइट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आपको पब्लिक से कुछ भी इंफॉर्मेशन मांगने की, आप पब्लिक से गवर्नमेंट से कुछ भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हो। कुछ भी का मतलब अभी मेरा वही है कि किसी की प्राइवेसी हटना हो यहाँ पे, यानी आप किसी की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन मांग दो वो नहीं, जनरल पब्लिक इन्फॉर्मेशन है वो आप मांग सकते हो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो, उन इन्फॉर्मेशन की कॉपीज ले सकते हो, उन इन्फॉर्मेशन को चेक भी कर सकते हो, उनके सैंपल भी ले सकते हो, ठीक है। तो इन वाले राइट्स को बोलते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन। आपको राइट है ये इन्फॉर्मेशन गैदर करने का, आपके पास राइट है ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने का। क्यों है ये राइट, क्योंकि आर्टिकल 19 आपसे क्या कहता है, फ्रीडम टू स्पीच। आप कुछ ही बोल सकते हो, तो आप कुछ ही कब बोल पाओगे, जब आपको कोई नॉलेज होगी तभी तो बोलोगे, आपको कुछ पता ही नहीं आप ऐसे बोल दोगे, नहीं ना। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या कहता है कि आप कुछ ही बोल सकते हो, तो आपको कुछ ही बोलने के लिए आपको जानना तो पड़ेगा, आपको जानना तो पड़ेगा, आप जो चीज़ बोलने वाले को उसके मामले में इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए। तो सर आपको अगले बोलना है, आपके इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो इन्फॉर्मेशन गैदर कर लो। तो इन्फॉर्मेशन गैदर कैसे करें, कोई क्यों बताएगा, अरे राइट इन्फॉर्मेशन है ना आपके पास, ये एक इम्प्लाइड राइट है आपके पास, आप किसी भी कोई भी इन्फॉर्मेशन मांग सकते हो, बस उसका हार्म नहीं होना चाहिए उससे। तो आप इन्फॉर्मेशन मांगो और आराम से जो बोलना है वो बोलो, क्योंकि वन डज नॉट नो द फैक्ट्स वन कैन नॉट स्पीक फ्रीली। अगर किसी को किसी चीज़ के बारे में नहीं पता तो वो फ्रीली बोल ही नहीं सकता। इस राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट आया बाद में, उन्होंने कहा कि हर सिटीजन को ये राइट है कि आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। तो कैसे करेंगे, आपको ऑनलाइन आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो आरटीआई की वेबसाइट पर जाके, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स के साथ और असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स के साथ, ठीक है। और उनसे वो इन्फॉर्मेशन मांग सकते हो, आपको पीपीडी फॉर्म में भी, आपको पीडीएफ फॉर्म में इन्फॉर्मेशन आ जाती है, और आपसे उनके प्रिंट आउट भी मंगा सकते हो, घर पर पोस्ट करा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है, इतना ही करते हैं ऐसे ना।